हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी शादी ब्याह या फिर भगवान के पूजा के प्रसाद के लिए बनाया जाता है। और ये मीठी बूंदी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बोल बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान ले। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मचल मचल के मिला लेंगे। इस तरह से घिस घिस के आप मिला लें इसे। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, पर ऑयल के बदले में आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे अच्छे से मिलाएंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिला सकते हो या फिर हाथ से भी आप मिला सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। थोड़ी देर हमें इसे मिला लिया। अब मैं इसे एक घंटे के लिए रखने वाली हूँ। एक घंटे के बाद ये देखिए, फिर थोड़ा इसे मिला लेंगे इस तरह। अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए हमारा घोल या बैटर। इसके बाद मैंने दो छोटे बाउल लिया, क्योंकि हम इसको दो कलर में बनाएंगे। दो बाउल में हमने अलग अलग कर दिया। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ केसर कलर यानी फूड कलर, और इस बाउल में मैं रेड कलर यूज करूंगी। और दोनों को अच्छे से मिला लीजिए इस तरह। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। ये देखिए, इसे हम अभी 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे बाउल का एक बाउल चीनी लिया है। अगर हम दो कप चीनी लेते हैं तो एक कप हम पानी मिलाएंगे। मेरा पहले का चाशनी बचा हुआ था तो मैं इसमें डाल दूंगी। याद रखिए, दो कप चीनी में हम एक कप से भी कम पानी मिलाएंगे और फिर इसको इस तरह से उबालेंगे। इससे एक तार या दो तार देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ा इस तरह उबाल आए या थोड़ा चिपचिपापन हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे। इसके बाद मैंने एक पैन लिया और पैन में ऑयल डाला। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। चेक कर लेते हैं ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए, जैसे ही हम बूंदी डाले ऊपर आ गया, मतलब तेल गरम हो गया। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो बूंदी अच्छे से गोल गोल या फूलेगा नहीं। इसके बाद हम एक पूरी तलने वाला छन्नी लिया और उसके ऊपर इस तरह से हम बैटर को डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, एकदम गोल गोल। एक साथ में ज़्यादा आप ना डालें और फिर थोड़ा इसे ऐसे चलाते हुए, एक मिनट चलाते हुए फिर हम इसे निकाल देंगे। गैस को हम हाई मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। आपको अगर लगे तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस को थोड़ा कम कर दीजिए। फिर हम इसको चाशनी में इस तरह डाल देंगे। साथ ही साथ मैं चाशनी में डाल रही हूँ ताकि जो चाशनी है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करे इसको और एकदम रसीला बूंदी बन जाए। फ्रेंड्स, जितने बार हम झाझरी यूज़ करेंगे उतनी बार हमें झाझरी को क्लीन कर लेना है।
कपड़े से या टिश्यू से आप उसको क्लीन कर लीजिए, फिर उसमें बैटर डालिए, वरना जो है बूंदी गोल नहीं बनेगा और पूरा काम आपका बिगड़ जाएगा। ये देखिए, मैंने जितने बार यूज़ किया हर बार इसको पोंछ लिया या धो लिया। अभी हम केसर वाला का भी इस तरह से बनाएंगे। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सारे बूंदियों को हम इस तरह से बना लेंगे और फिर चाशनी में डाल देंगे। बच्चों को ये मीठी बूंदी बहुत पसंद आएगा, तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन होगा आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं। हमने सारे लाल कलर की बूंदियाँ फ्राई कर लिया है, अब हम ऑरेंज कलर का भी बूंदियाँ फ्राई करेंगे और सेम प्रोसेस में सारे बूंदियाँ हम फ्राई कर लेंगे। चाशनी को भी हम थोड़ा गर्म ही रखेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, और गर्मा गर्म बूंदियाँ चाशनी के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, बूंदिया के अंदर तुरंत। अब हम ऑरेंज कलर का भी बूंदिया फ्राई करेंगे और सेम प्रोसेस में सारे बूंदिया हम फ्राई कर लेंगे। चाशनी को भी हम थोड़ा गर्म ही रखेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, और गर्मा गर्म बूंदिया चाशनी के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, बूंदिया के अंदर तुरंत चाशनी और चाशनी चला जाएगा और एकदम रसीला बूंदी बन जाएगा। तो सिर्फ एक बॉल या एक कप बेसन से आप इतने सारे मीठी बूंदियाँ बना सकते हो। और बचे हुए बैटर हम सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे और चाशनी में डालेंगे। तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन होगा आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं। फ्रेंड्स, अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।